हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोशनली। हम आज की वीडियो में देखेंगे एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी यूज करना है तो कैसे करेंगे। एक्सेल 2007, 2010 और 2013 के अंदर हमें पावर क्वेरी डाउनलोड करनी पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से और 16 ऑफिस 16 ऑफिस 19 के अंदर पावर क्वेरी फीचर्स इनबिल्ड है। आप पावर क्वेरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 32 बिट और 64 बिट, आपको देखना है आपका विंडो 32 बिट है या 64 बिट। गो टू स्टार्ट, ओपन द एक्सप्लोरर, दिस पीसी राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज, सी दिस माई विंडोज इज द 64 बिट। Then I will click the 64-bit power query, then next and download. Click here to automatic download. Run power query. The Microsoft close the Excel and close. जब आप पावर क्वेरी इंस्टॉल करते हो तभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज कर दो, देन रिट्राई। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर क्वेरी इज ऑलरेडी इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट 2016, यू कैन फाइंड अंडर द डेटा टैब। 16 के अंदर पावर क्वेरी इनबिल्ड होती है, 2007, 10 और 13 में इनबिल्ड नहीं होती, इसलिए हमें पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ती है। हम इसको क्लोज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, जनवरी और फरवरी और मार्च। हम लोग दो टेबल देखेंगे। जनवरी टेबल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन द टेबल एंड क्लिक ऑन द माय टेबल हैज हेडर, ओके। देन नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन इज अ फरवरी टेबल, इन गो टू इंसर्ट टेबल, ओके। देन सिलेक्ट द फर्स्ट टेबल एंड गो टू द डेटा एंड क्लिक ऑन द फ्रॉम टेबल। जैसे फ्रॉम टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा। पावर क्वेरी एडिटर ओपन होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा, करंट टेबल। हम लोग ओके करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो रो दो शीट है, शीट वन शीट टू, तो हम लोगों ने दो बार टेबल को ऐड किया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, अंडू भी कर सकते हो। वापस से हम लोग इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज द क्लिक ऑन द एडवांस एडिटर। ये आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट कोडिंग है, ये एकदम सिंपल कोडिंग है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट, उसके नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग सोर्स वन और सोर्स टू लेंगे, सोर्स दोनों सोर्स सेम हो गए तो हमें एरर मैसेज शो करेगा, इसलिए हम लोग सोर्स वन और सोर्स टू देंगे। यहाँ पे टेबल वन और टेबल वन दो बार है, तो यहाँ पे हम लोग टेबल वन और टेबल टू दे आसान करके, क्योंकि हमारे पास दो टेबल है, जनवरी टेबल और फरवरी टेबल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकेंड लाइन को हम लोग कॉपी करेंगे, देन पेस्ट। यहाँ पे चेंज टाइप दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज टाइप वन करेंगे एंड चेंज टाइप टू करेंगे। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सोर्स लिया है, सोर्स वन और सोर्स टू पे क्लिक करेंगे, यानी यहाँ से हम लोग चेंज करेगा। सोर्स वन से जो भी चेंज होगा वो यहाँ पे सोर्स वन में होगा, और चेंज टाइप टू में कुछ भी होगा वो सोर्स टू में से डेटा इंसर्ट करेगा।
और मेन इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली लाइन अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी के अंदर हम लोग चेंज टाइप दोनों को, दो टेबल को कंबाइन करने के बाद टाइप वन, चेंज टाइप वन और चेंज टाइप टू, ये दोनों को कंबाइन कर करके एक फाइनल रिजल्ट और फाइनल शीट हमें मिलेगी। हम वापस एक बार देख लेते हैं कोडिंग, सोर्स वन सोर्स टू, जैसे सोर्स वन किया वैसे टेबल वन और सोर्स टू का टेबल टू। चेंज टाइप, चेंज टाइप यानी हम लोग कुछ भी सोर्स वन में एडिट करते हैं या कुछ भी नई नई रो ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा अपेंड क्वेरी टेबल होगा, पावर क्वेरी टेबल, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने चेंज टाइप वन किया है और चेंज टाइप टू किया है। ये होने के बाद हम लोग डन करेंगे। डन करने के बाद हमें कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्लोज एंड लोड। जैसे क्लोज और लोड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक शीट जनरेट होगी जिसके अंदर जनवरी फरवरी दोनों टेबल का कंबाइन हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जनवरी एक से लेके पाँच, फरवरी एक से लेके पाँच, जनवरी एंड फरवरी। अभी हम लोग जनवरी के अंदर एक डेटा इंसर्ट करेंगे। देन फरवरी के अंदर एक डेटा इंसर्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जैसे शीट वन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली दो कॉलम ऐड हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हो एक से लेके छः तक और एक से पाँच और सात, वन टू सिक्स एंड वन टू फाइव एंड सेवन। देन रिमूव दिस, डिलीट दिस रो, देन गो टू शीट वन एंड रिफ्रेश, चेक लास्ट रो विल बी डिलीटेड। इस तरह हम लोग पावर क्वेरी का यूज करके हम लोग मंथ वाइज सैलरी भी निकाल सकते हैं, या कोई सेल्स निकालना है या टारगेट निकालना है और हमें एक ही टेबल के अंदर अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए और अपडेट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ सम्स भी हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बी टू टू बी थर्टीन, आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे भी कुछ भी अपडेट करूँगा टेन, देन ये शीट वन के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इस तरह हम लोग पावर क्वेरी का इस्तेमाल करके हमारे काम को आसानी और सरलता से हम लोग कर सकते हैं। मेरे एक्सेल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।